अस्सलामुअलैकुम, ये मैं मोहम्मद अली सोसाइटी में हूँ और ये हमारे जुनेद बुकाती साहब जो हैं उन्होंने एक जी ऐसा लग रहा है सड़क भी अभी बनाई, नया पार्क बनाया है जो पहले कभी पार्क होता था, फिर उजड़ गया था, फिर कचरा कुंडी बन गई थी। इनको बहुत अरसे से शौक़ आ रहा था, हम जब बैठ रहे थे तो ये बातें कर रहे होते थे कि भाई इसको पार्क बनाना है, इसको पार्क बनाना है। और फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन्होंने जैसे तैसे करके लोगों से कह कहला के दरख्वास्तें करके जो है पैसे जमा किए, लोगों से अपनी जेब से दिए, औरों से मांगे और दोस्तों से कहा और हम सिर्फ हमारे मैंने भी एक आध वीडियो उनकी शेयर की थी कि ये उनकी ख्वाहिश है। और ये देखिए इन्होंने पार्क के इसमें हमें तस्वीर भी लगाई है कि ये पहले कैसी कचरा कुंडी थी और अब क्या बनाया है। तो इन्होंने मीडिया को भी बुलाया था इस इवेंट के लिए, मुझे नहीं पता मीडिया कैसी कवरेज करेगा, लेकिन कुछ गाड़ियां तो नज़र आ रही। तो मैं अपनी वालदा के साथ अभी यहाँ घुस रहा हूँ, दो चार मिनट यहाँ ठहरेंगे, आपको साथ साथ शरीक करा देते हैं। हाँ, ये एक फेंटा का इवेंट हो रहा है, इसका भी हमने यहाँ पे वो लगा दिया जाके आते जाते लोग इसको देख लें। और ये हम दाखिल हो रहे हैं, अलखिदमत फैमिली पार्क का नाम रखा है और वजीर बल्दियात साहब को बुलाया था इसका इफ्तिताह करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। और छोटी सी जगह है लेकिन बहरहाल छोटे से काम भी करने बैठो तो पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं, तो सरकारी पैसे होते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन अगर प्राइवेट चीज़ों को इंतज़ाम किया जाए तो ये खासा मुश्किल है। जुनेद साहब यहाँ के यूसी के चेयरमैन हैं और यूनियन काउंसिल्स के पास उसूली तौर पे इन चीज़ों के लिए फ़ंड्स होने चाहिए कि वो ये काम कर सकें, लेकिन चूँकि इस सिस्टम में मेयर भी रो रहा होता है कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, है तो ये तो एक यूसी है और बहरहाल इसके अंदर ये एक्टिविटी है। अस्सलाम वालेकुम, अलहमदिल्ला, आप कैसे हैं? बच्चों के लिए कोई शो वो कर रहे हैं, ये मेरा बॉल है, ये मैजिक शो है शायद। देखिए ये बॉल जो है ये मेरी बात मानेगी जो मैं कहूँगा, ये वही काम अच्छी है, खासी बड़ी तो उसकी भी खासे लोग आए होंगे। मैंने इसके अंदर धागा डाला हुआ है, ये वॉकिंग ट्रैक बना दिया इसके अंदर, फिर मैं एक यू देखू और ये जंपिंग कासल टाइप की चीज़ें भी लगा दी, तो गुड एक्टिविटी, अल्लाह इनकी इस कोशिश को कबूल करे और हमारे पाकिस्तान को ऐसी मुखलिस क़यादत दे जो बजाय इसके कि इसलिए आएँ कि जनाब हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि इसलिए आएँ कि हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं, और बजाय इसके कि सरकारी माल को अपना माल समझे, अपने माल को भी इस काम में लगाएं और अपने दोस्तों से भी कहें कि हम ईमानदारी से लगा रहे हैं। तो आप भी साथ आना। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह ने शुक्र। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई, आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे आए? जी जी। तो आपका कौन सा दिन है आज? कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मेरे को इधर 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? जी जी। अच्छा माशाल्लाह, तो 2 महीने पहले आप आए थे तो यहाँ पे क्या था? ये तो बहुत कचरा कुंडी, गंद था, कचरा था। अच्छा, इधर तो गुजरने को दिल नहीं करता था बंदे का। फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड क्यों आए? कचरा कुंडी की हिफाजत करने के लिए? इन्होंने बोला कचरा कुंडी, कचरा को नहीं फेंके, पेशाब वगैरह कोई नहीं करे, कोई मतलब कोई अच्छा जाके हिफाजत के लिए, जाके लोग इसको मिसयूज नहीं करें। जी जी जी, तो इसलिए उन्होंने आपको पहले से रख लिया जी था। इस वजह से फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे, वहाँ पे हम लोग सेफ्टी की, अभी तो माशाल्लाह देख काफी पहले बेहतर हो चुका है। अब माशाल्लाह काफी बेहतर हो गया। ठीक है भाई, अल्लाह आसान करे। ये बच्चों के खेलने का इंतजाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप यहीं कहीं रहते हैं? जी, मेरा नाम इरफान है। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई, हम जरा फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ हैं, तो आपने तो यहाँ पे पहले भी देखा होगा ना कि क्या था, क्या हालत थी यहाँ की और कैसा लग रहा है अभी? तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना दिया है, पहले तो बिल्कुल कबाड़ बन गया था और लफर लफंगे आके यहाँ बैठा करते थे, तो आता ही नहीं था, बंद हो गया था बिल्कुल। अभी माशाल्लाह नाजिम साहब ने बड़ी मेहनत करी उसके ऊपर, अभी अल्लाह रखे कायम रहे इस तरह। आमीन सुमामीन। तो जुनेद साहब को आप लोग पहचानते हैं वैसे? पहले से पहचानते हैं, तो उनकी जाती कोशिशों से हुआ है? उनकी अपनी कोशिशें। तो मोहल्ले से भी लोगों ने कुछ पैसे वैसे दिए थे, कुछ काम वाम किया था लोगों ने? नहीं लगता आपको? नहीं लगता साहब ने
चलिए, लेकिन अब आपके मोहल्ले में एक अच्छा इंतजाम हो गया, अल्लाह करे ये ऐसा रहे। ठीक है जज़ाकअल्लाह। ये देखें बच्चे जो मैजिक शो करने आए थे वो इतने सारे आ गए कि खुद ही एक मैजिक हो गया माशाल्लाह। ये तो दुनिया के लिए तो एक मैजिक ही होगा कि इतना बच्चा। क्वांटिटी देखें भाई, अल्लाह अकबर। तो ये भी एक पाकिस्तान का एक वो है कि पाकिस्तान में इतना क्राउड अवेलेबल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक लाइव कर रहा था जी। तो आप यहीं पे कहीं रहते हैं? जी करीब में। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा है, क्या वाकई में कचरा कुंडी थी या क्या था ये? मैं तो पहली बहुत बड़ी कचरा कुंडी थी। अच्छा, बहुत बड़ी कचरा कुंडी थी, बहुत बड़ी। इस मेरे को तो नहीं लगता यहाँ से लेके बादराबाद, शरफाबाद, तारिक रोड कहीं पर भी जो है ना इससे बड़ी कोई कचरा कुंडी होगी। अच्छा, इतने बड़े इलाके के अंदर, इतने कीमती इलाके के अंदर जो है ना इतनी बड़ी कचरा कुंडी जिसे पूरे मोहल्ले वाले तंग करें। अच्छा, यानी ये रोड ही बंद हो जाता था इतनी बड़ी कचरा कुंडी। अच्छा, तो मतलब ये मोहल्ले वालों ने खुद आके बढ़ के किया या इसमें जुनेद साहब का अपना बहुत जुनेद साहब का किरदार था और मोहल्ले वालों ने भी इसमें किया है, मोहल्ले वालों ने भी किया। उनका कहना ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको कुछ नहीं मिला लेकिन उन्होंने बहरहाल नियत की तो कर लिया, अल्लाह ताला ने। काविशें तो हैं ना, काउंसलर हैं तो उनकी भी काविशें हैं और बाकी जुनेद साहब ने भी किया है और ये मोहल्ले वालों ने भी किया है। यहाँ पर रहने वालों को बेताचा तकलीफ थी, आए दिन तो रास्ता बंद हो जाता था, रास्ते में कन्वेंस बंद हो जाते थे, जाम हो जाता था, कचरा रोड तक आ जाता था, बच्चे अलग बीमार हो जाते थे, इतने मच्छर थे यहाँ पर। बहुत अच्छा एकदम, अल्लाह मुबारक करे जी, अल्लाह ताला। बेटा तुमने झूला नहीं झूला अभी तक? नहीं अभी तो आया, अभी आया। चलो चलें जी, हमारी सेहत तो लग रहा है पूरी हो गई। जुनेद साहब नज़र नहीं आ रहे और यहाँ कुछ सल में थोड़ी सी हरकत ये हो गई थी कि जो बहुत अच्छी बात नहीं है रिपीट करना, लेकिन वो इन उन्होंने अपनी मेहनत से खासा ये एक्टिविटी की थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आप फेसबुक पे हैं और सिर्फ 11 लोग देख रहे हैं तो वो बाद में भी व्यू आ सकते हैं। तो कैसा लगा भाई? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब सबसे पहले ये कि जिन्होंने इसकी पिछली वाली हालत देखी हुई थी ना कि जब ये बकरीद के बाद जो है जो कचरा कुंडी बन गया था, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ के हल्के के लोगों ने और जमात की यूसी के काउंसलर्स वगैरह ने और ख़ासकर जो है वो चेयरमैन साहब ने जो है खूब मतलब मेहनत करी है और माशाल्लाह जो है वो देख रहे हैं कि जो है ना वो मेहनत नज़र भी आ रही है। हाँ बस अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और ऐसा ही रहे, ये भी है ना, ये भी सबसे ज़्यादा होता है ना, बंद तो जाती है चीज़ वो फिर रह नहीं पाती। चलो अल्लाह करे, चल चले। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जुनेद भाई खुद नज़र आ रहे हैं? बहुत मज़ा आया। हाँ क्या मज़ा आया? अच्छा गुड, क्या चीज़ का मज़ा आया, क्या अच्छा लगा? हाँ क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को तो सबसे ज्यादा वो आँख से जो खेला वो अच्छा लगा। हाँ मैजिक शो वाले ने? अच्छा गुड गुड, चलें गुड। हाँ फेसबुक पे डाल रहा हूँ, तुम अपना नाम ही बता दो ना बाकी लोगों को, क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान नाम है। उस्मान नाम, चलो उस्मान अब एक काम आप करेंगे, आपको इतना अच्छा लगा ये काम किसने करा था मालूम है आपको? हाँ किसने? वो सामने एक अंकल करा है। वो कहाँ है मुझे तो नजर नहीं आ रहे, कोई अंकल आइए कहाँ है दिखाइए। वो जो हेड पहने में मैजिक शो वाले, उन्होंने किया था। चलो उनके लिए भी दुआ करना और जुनेद साहब जिन्होंने इनको बुलाया ना उनके लिए भी दुआ करना, ठीक है? बच्चों की दुआएं खास कबूल होती है। आपका नाम, आप कौन से स्टैंड डाल रहे हैं? मेरा नाम है इरफान अल्लाह वाला, अगर तुम ढूंढोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा फेसबुक पे, ये मिल जाएगा। हाँ इरफान अल्लाह वाला करिए। चलिए तो फिर खुदा हाफिज़।